तो मैं इसको चालू करता हूँ। आप देख सकते हो अच्छे से वर्क कर रहा है, देख सकते हो अभी भी घूम रहा है, मेरे पकड़ लिया तुम्हें। हमारे अच्छे से वर्क कर रहा है, एकदम अच्छे गेयर मोटर की तरह। आपने भी देख लिया होगा कि ये मोटर की डिप अच्छे से वर्क कर रही है। तो इसे बनाने के लिए मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। तो वीडियो शुरू करते, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जरा शेयर करना। तो मैं आपको वो सारे कंपोनेंट बताने वाला हूँ, कौन कौन से आपको चाहिए, सभी एक एक चल के आएंगे। सारे पीस जम चुके हैं, ये आपको मैं बता दूंगा कौन कौन सा पार्ट में से कहाँ पे लगेगा। और हमें अब चाहिए मेन चीज़ जो मैंने आपको बना के पहले रखी है, तो इन सबको कर देता हूँ गायब। वो है अब मैं बुला लेता हूँ मेन चीज़ यानी मेन सामानों को। तो ये है सारे मेन चीज़ आपको बता देता हूँ मैं। ये एक हमारी मोटर चाहिएगी जो ये मेन बात है, ये मोटर बनाने के लिए मोटर चाहिए हमें। और ये हमारे पास गियर है थोड़े बहुत, इनको मैं बता दूंगा कौन से गियर कहाँ पे बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने सारे सिस्टम पहले एक कर चुका हूँ मैं। इसमें मेरे को बहुत टाइम लगा क्योंकि मैं इन गियर को एक जगह लगाता हूँ तो ये पाल ही जाती थी, मेरे को बहुत दिक्कत हुई। इसलिए मैं उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर बनाया। तो मैं बता देता हूँ, तो मैंने तीन गियर लिए हैं, ये वाला गियर और ये वाला गियर दोनों बराबर हैं, और ये वाला गियर इनसे बड़ा है और ये वाला गियर इससे बड़ा है। तो ये मोटर वाला गियर तो इस मोटर में यहाँ पे लगेगी, फिर ये गियर इसके ऊपर इस तरह किस लगेगा, इसलिए मैंने ये टुकड़ा लगाया ताकि गियर नीचे ना जाए। आप चाहो तो कुछ और भी जुगाड़ कर सकते हो, नहीं तो ये चला है और दूसरा गियर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखो अच्छे से वर्क कर रहा है अभी। और ये हमारा आखिरी जो देख सकते आप, ये इतनी सारी पीस मैंने इसलिए गए ताकि ऊपर ही रहे नीचे ना जाए, इसे ये सारी पीस मैंने इसी कारण से लगाए हैं। तो मोटर देख सकते आप इधर यहाँ पे फिट होगी, तो मैं इसको फिट कर लेता हूँ। मैंने इस देखो फिट कर लिया है, आप देख सकते हो। कितना सही से आपको नहीं दिख रहा होगा कि ढूंढ लग दिख रहा है, अब देखा होगा सही आपको, देख सकते हो आप सारे गियर एक तरह से आसानी से काम कर रहे हैं। तो ये इन पीसों को मैं बता दूँ आपका कौन सा पीस कहाँ से लगेगा। इस मोटर को मैं यहीं पे चिपकाने वाला हूँ। तो ये वाला पीस है कुछ इस तरीके से ऊपर इस छेद में से लग जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये एक ये वाला पीस यहाँ पे लग जाएगा इस तरीके से, और ये वाला पीस इसके नीचे लग जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं लगा दिया है और ये आगे पीछे के दो पीस जैसे देखो टूटा फूटा मोटर को लिया अपना। अब इसको हम किसकी सहायता से चिपकाएंगे, इसकी सहायता से, फिर की उसकी सहायता से मैं इसको सारे को चिपका के आपको टेस्टिंग के लिए बता देता हूँ। आप देख सकते हो इसके अंदर का एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, इसके अंदर आएगी आपको दिक्कत ज़्यादा, आप बनाओगे तो इसको और कुछ में भी दिक्कत नहीं आएगी आपको ज़्यादा, या आसानी से बन जाएगा आपके। मैंने डबल शाफ्ट वाली बनाई है तो मैं इनको सबको चिपका लेता हूँ बिना वेस्ट ये टाइम, तो चिपका लेता हूँ। तो मैंने फाइनली इसको चिपका लिया है, आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक।
मैंने इसको यहाँ से खुला इसलिए रखा है ताकि अगर इसमें कोई खराबी ना हो जाए तो वहाँ से आप ठीक कर सको और जब आपसे कुछ नहीं हो। तो मैं अच्छी चीज को एक बार और मशीन दे देता हूँ। तो फाइनली मैंने इसको जीत दिया है अच्छे से, देख सकते हैं आप इससे भी अच्छा बना सकते हो। मैंने तो मेरे से बना जैसा बना दिया है, आप इसे और भी अच्छा दे सकते हो, देख सकते हो। अब इसको चलाने की बारी है, तो मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने इसको 6 वोल्ट से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया है, तो मैं इसको चालू करता हूँ। आप देख सकते हो अच्छे से वर्क कर रहा है, देख सकते हो अभी भी घूम रहा है, मैंने पकड़ लिया तो हमारे अच्छे से वर्क कर रहा है। एकदम अच्छे गियर मोटर की तरह। जैसे कि आप ऐसे उठ गए ये पीछे से, अब मैं इसको चलाने वाला हूँ 12 वोल्ट से। तो मैंने कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट से, तो आप देख सकते इसकी स्पीड एकदम रुकी नहीं रहा, इतना पकड़ लिया मैंने तो ही नहीं रुक रहा। आप देख सकते इतना अच्छे से वर्क कर रहा है, और अभी तो बहुत रात हो चुकी है, तो मैं आपको इसकी जरूरत नहीं करा सकता हूँ। तो मैं इससे कुछ प्रोजेक्ट बनाऊँगा, तो आपको इसमें वीडियो में बता दूँगा इसकी पूरी टेस्टिंग भी अच्छे से पता चल जाएगी। वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं वीडियो में।